जजमेंट अभी आई नहीं है, जजमेंट में क्या किन ग्राउंड पे हमारे इनकी जम्मू कश्मीर के उन लोगों की पिटीशन को रिजेक्ट किया गया है वो तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जम्मू कश्मीर की कानूनी प्रक्रिया में आप लंबे समय से जुड़े हैं, चाहे वो 370 की बात करें, चाहे वो डिलिमिटेशन की बात करें, या अभी वहां पर जो फिलहाल एक रोशनी एक्ट था उसको लेकर भी आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस परिसीमन की प्रक्रिया को अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दे दिया और अब आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा उसमें इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव अगर होगा तो कितना करेगा? फिलहाल डेफिनेटली इफेक्ट तो होगा, वो डिलिमिटेशन तो हुई नहीं, वो तो जेरीमेंडरिंग हुई है। उसको तो सारी दुनिया जो है वो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा मुल्क जो है उसको एक जेरीमेंडरिंग समझता है। वो जेरीमेंडरिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज हुई है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी लिमिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला जो है उसको आप चुनौती कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक एडिशनल ग्राउंड सिर्फ ये था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही डाउटफुल है, अंडर क्लाउड है और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो उस दौरान ये नहीं होना चाहिए था, वो एक समझ लो आप प्रोप्राइटरी जो है उस पर। तो क्या रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की जा सकती है आने वाले? ये तो वकला हजरात जो हैं वो उसको जजमेंट के आने के बाद उसको पढ़ के तभी फैसला करेंगे, अभी कहना ये ठीक है प्रीमैच्योर। तो देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद तो तमाम जो याचिकाकर्ता है वो उस फैसले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या इसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या ना की जाए। लेकिन बहरहाल परिसीमन की और विधानसभा के द्वारा जो फिलहाल एक परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और यह निश्चित रूप से केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत और आने वाले विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं उसका भी एक तरफ से रास्ता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18।